वार्ड क्रमांक 5 में टोटल मतदाताओं की संख्या 25,549 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,076 है। इसी के साथ महिला मतदाताओं की संख्या 12,473 है। अनुसूचित जाति के 1,500 मतदाता हैं। वार्ड क्रमांक 5 में लगभग 4,500 दर्जी समाज के मतदाता हैं, जो कि काफी बड़ा वोट बैंक माना जा सकता है। करीब 2,500 के लगभग प्रजापत समाज के मतदाता हैं, वहीं 3,000 अल्पसंख्यक मतदाता हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट निगम चुनावों का महाकुंभ, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। लगातार लगेगी वार्ड के पार्षदों की पाठशाला। आखिरकार कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल, क्या कुछ रह गया बाकी और क्या कुछ करने में हुए पार्षद कामयाब, तमाम कार्यों का लेखा जोखा लेकर के हम हाजिर हैं आपके बीच। हमारे बीच मेहमानों की श्रृंखला में पहली बार मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद रहे, जी हां, राजेश चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 5 से ही ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में योगेंद्र मौर्य जी मौजूद हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। दोनों ही चेहरे अपने क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं, जनता के बीच में मुख्य तौर से पेट जमाए हुए हैं। जनता शिरोधार्य करती है, किसके मस्तक पे लगाती है राज तिलक, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु चर्चा कर लेते हैं कामों का लेखा जोखा की। जी पार्षद जी, कैसा रहा 5 साल का सक्रिय कार्यकाल आपका? परिषद आपकी रही, प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की रही, भले थोड़ी सी देर से आई, पर कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 1 से वार्ड 5 की ओर से अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले रोड, हमारे वार्ड 5 की जो बेकलाइनें थी, ज़्यादा सबसे ज़्यादा गंदा क्षेत्र अगर कहलाता था तो रामानंद दामोदर गंगानगर था, जिसमें हमने सर्वप्रथम बेकलाइनों का निर्माण किया, रोड बनाई, 2 पुलियाओं का निर्माण किया, लाइट और पानी की जनता को भरपूर सुविधा दी। पार्षद जी, 26,000 मतदाताओं वाला आपका क्षेत्र है, जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, दर्जी समाज से आप स्वयं हैं, पिछली बार का आरक्षण भी पिछड़ा पुरुष था, उस समाज के वोट भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर योगेंद्र मौर्य जी, 3,000 मतदाता जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं, आपके लिए किस प्रकार की चुनौतियाँ रहेंगी? क्या सक्रियता आपके वार्ड में आपकी रही 5 साल, चूँकि पार्षद भले ही भारतीय जनता पार्टी से, पर क्या आप जनता से लगातार मुखातिब होते रहे? जी, मैं लगातार रेगुलर जनता से मुखातिब रहा और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पार्षद जी बोल रहे हैं बेक लाइन की समस्या हल हुई है, तो राजनगर में सबसे ज़्यादा बेक लाइन की अभी भी समस्या है। उनके बेक साइड में जो बेक लाइन बनी है वो 3 फीट 4 फीट ऊंची बनी हुई है, उनके जो घर की लेटरिन बाथरूम बनी हुई है उससे 3-4 फीट ऊँची है और सभी गलियों में यही प्रॉब्लम है और मैं लगातार जनता से संपर्क में हूँ। जी, लगभग 5,600 मतों से आप विजय हुए राजेश चौहान जी, इसके ठीक विपरीत अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महज 2,600, मतलब सीधे आधा आंकड़ा हो गया जब सुदर्शन गुप्ता चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा क्या था, क्या सुदर्शन गुप्ता को क्षेत्र की जनता पसंद नहीं करती थी, राजेश चौहान से ज़्यादा प्रेम ज़्यादा लगाव था क्षेत्र की जनता का? नहीं, ये तो विधानसभा में जो है अल्पसंख्यक वोट हमारी विधानसभा में रहते हैं, कुछ जातीय समीकरण भी थे और कुछ चुनावी माहौल था जिसमें पार्टी ने कहीं कुछ जनता को नाराजगी रही होगी, उसका वोट नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वार्ड 5 ऐतिहासिक वोटों से जीता और आगे भी जीतता रहेगा। जी, क्या लगता है योगेंद्र जी की जो लीड रही 2,600, अगर विधानसभा की बात की जाए लेटेस्ट लीड जो रही वो महज 2,600 वोटों की लीड रही भारतीय जनता पार्टी के पास में, तो क्या ये 2,600 को पार करके क्या लगता है कोई उम्मीद की अगली किरण नजर आती है वार्ड क्रमांक 5 में कांग्रेस के लिए? हमारे विधायक आदरणीय संजय शुक्ला जी ने वार्ड के अंदर और विधानसभा के अंदर खूब काम करा है और अभी भी वार्ड के अंदर कम से कम 20 से 22 बोरिंग करवा दिए हैं। अगर पार्षद जी काम कराते तो 20 से 22 बोरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज तक की नर्मदा लाइन कहीं पर नहीं बिछा नहीं पाए, बिछा कहीं बिछ गई है तो चालू नहीं हुई है, पानी नहीं है। जी, कि आपके वार्ड की ये सबसे जटिल समस्या है पानी, जिस पानी के लिए कोहराम मच जाता है। अगर इतनी विकसित इंदौर नगर निगम, इतना विकासशील इंदौर शहर और बूंद बूंद पानी को तरसते हुए लोग, आज भी टैंकर के पीछे भागते हुए लोग, आज भी पानी के लिए पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ रहे हैं, क्या किया 5 साल में?
पाँच साल में हमारे जो क्षेत्र हैं पूरा उसमें हमने सबदूर लाइन है और नर्मदा और की टंकी की पानी सप्लाई सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चंदन नगर उसमें भी हमारी परिषद ने टंकी सेंशन की और टंकी का कार्य पूर्ण हो गया और वहाँ भी हमने नर्मदा की लाइन बिछाई। और रहा सवाल टैंकर का, तो हमारे यहाँ गरीब बस्तियाँ हैं, कई परिवारों में किरायादार रहते हैं, कई परिवारों में जनसंख्या की आबादी ज़्यादा होने के कारण वहाँ टैंकरों की आवश्यकता लगती है और उसकी पूर्ति भी हम करते हैं जनता है। पानी की आपूर्ति इतनी की जनता है कुछ पानी को लेकर के, बिल्कुल आप जनता अगर आप वार्ड में सर्वे करवाएं तो पानी की तो बहुत ज़्यादा किल्लत है जी। और बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसमें से 12 टैंकर चल रहे हैं, नगर निगम के 7 टैंकर चल रहे हैं, विधायक जी के 2 टैंकर चल रहे हैं और भी। अच्छा, क्या लगता है संजय शुक्ला की जो सक्रियता है चुनाव जीतने के बाद, आमतौर पर इतनी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों को में देखने को मिलती थी कि लगातार डोर टू डोर कम्युनिकेशन चल रहा है, द्वार द्वार हर द्वार जनता के बीच में विधायक जा रहे हैं। आपके विधायक जो हैं विधानसभा एक से संजय शुक्ला, चूंकि अब महापौर के दावेदार भी हैं वो और खासी सक्रियता रखते हैं विधानसभा एक में, तो क्या इसका एक बड़ा फायदा मुनाफा जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा, देखते हैं आप? बिल्कुल मिलेगा। विधायक जी हर एक छोटे छोटे से कार्य में जाते हैं, किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो उसके यहाँ बैठने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, सभी कार्य में जाते हैं। क्या लगता है राजेश चौहान जी, क्या संजय शुक्ला की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ती सक्रियता का खामियाजा विधानसभा एक के पार्षदों को भुगतना पड़ेगा? मैं तो ये मानता हूँ कि माननीय विधायक जी जब से जीते हैं 4 साल के कार्यकाल में, मैंने तो कहीं किसी वार्ड में, हमारे वार्ड 5 में तो आज तक नहीं देखा। सिर्फ बोरिंग तो उन्होंने जनता को चुनाव विधानसभा जीतने से पहले वादा किया था कि हम 600 बोरिंग आपके बीच कराएंगे। तो बड़ा विषय है ना चौहान साहब की वादा किया और वादा पूरा नहीं, नहीं, नहीं हुआ वादा। अभी जिन बोरिंगों को उन्होंने किया अभी तक उनमें मोटरें नहीं डली है, कुछ बोरिंगों में तो मोटर नगर निगम द्वारा मैंने खुद डलाई है। उसके बाद में कोरोना काल में पूरे समय विधायक जी वहाँ के कोई जनता कोई कार्यकर्ता उनका बीच में जनता के बीच नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक काम के लिए जनता के बीच रहा, चाहे सैनिटाइजर हो चाहे राशन की सब व्यवस्था हो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक गली मोहल्ले में चिन्हित रहा है। लेकिन आज पूरे कोरोना काल में माननीय विधायक जी पूरे वार्ड क्रमांक 5 में कहीं नहीं आए जनता के बीच सुख दुख। आपकी सक्रियता योगेंद्र जी कितनी रही जब कोविड का काल था, भीषण महामारी थी, एक दूसरे को लोग जानने पहचानने से मना करते थे, कई लोगों के वहाँ आर्थिक संकट ऐसा आ गया था कि राशन पानी की व्यवस्था नहीं। विधायक जी ने बकायदा नंबर जारी करा था कि मेरा नंबर है, आप इस पे फोन लगाइए, जो भी समस्या हो वो समस्या का समाधान करिए, और राशन पहुँचाया उनने। और हमारे पार्षद जी ने तो जो राशन पहुँचाया था नगर निगम से पूरी किट आती थी, लेकिन ये केवल आटा बांटते थे, पूरे इंदौर के अंदर पूरा राशन मिलता था, उसमें दाल रहता था, चावल रहता था और सभी रहती थी। लेकिन इनके यहाँ क्या कारण था कि इन्हीं के यहाँ पर केवल आटा बांटता था? अजय चौहान जी, आटा ही क्यों बांटते थे, चावल क्यों कर दिया? नगर निगम ने विधानसभा एक को ज्यादातर राशन में आटा ही दिया है, उसका प्रूफ नगर निगम खुद देगी, मैं नहीं दूंगा। मुझे राशन मिलता था गाड़ी में, उतना राशन वहाँ पहुंचता था और वो राशन सीधा हो जनता के बीच जाता था। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी आपके साथ कर दी इंदौर नगर निगम ने। अगर नहीं, नगर निगम पूरे शहर में, इंदौर में भी लगभग पूरे इंदौर में ज्यादातर जब नगर निगम ने खुद राशन बांटा था उनके किट में सिर्फ सामान था, बाकी विधायक के माध्यम से बांटता था। प्रॉपर सामान था राजेश कुमार जी, हमारे तो सामने ही खैर नगर निगम का सामान बटा, हमने देखा द्वार द्वार किस प्रकार। नहीं, हमने भी बांटा ना, जब हमारे पास किट आई तो हमने किट बांटी, आटा है तो आटा दिया, मतलब जो व्यवस्थाएं थी उसके अकॉर्डिंग आपने व्यवस्थाएं जारी रखी। मैंने खुद 20 क्विंटल आटा मेरे परिवार का खुद लाके और घर से भी बांटा, ऐसी बात नहीं जनता के बीच। खैर, ये तो बहुत अच्छा विषय है कि कोविड जैसी महामारी के दौरान आपने जनता के साथ में सामंजस्य बना करके रखा। कोविड के साथ में हम ये बात करना चाहेंगे कि अच्छा, ऐसी कौन सी चुनौतियां थी वार्ड में, चूंकि पहले जो पार्षद थी वो काफी नामचीन चेहरा था, MIC की मेंबर भी रही, सक्रियता भी बहुत ज्यादा थी, जनता से मेरे ख्याल से आपको लेकर के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रही होंगी, क्योंकि सपना चौहान अपने आप में एक बड़ा नाम थी जी। तो क्या चुनौतियां थी आपके सामने? चुनौतियां कुछ नहीं, जो वार्ड पुराना 5 नंबर था उसमें कुछ काम बाकी थे, लेकिन जो परिसीमन में वार्ड आया था हमारे यहाँ, जिसमें पूर्व में कांग्रेस के पार्षद थे, चंदन नगर की जी, चंदन नगर हो गया, रामानंद दामोदर नगर हो गया, गंगा नगर हो गया, उसमें वर्धमान नगर था, चंदन नगर डी सेक्टर था, जो कि पूर्व में पार्षद कांग्रेस के वहां रहा करते थे। लेकिन जब से मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब वहां जवाबदारी दी, तब से आज उस क्षेत्र की दिशा और निशा देखेंगे तो आप एक एक काम, चाहे रोड हो, लाइट हो, पानी हो, चंदन नगर की स्थिति जब मैं गया था तो वहां ना तो रोड था, ना पानी था, ना गिट्टी रोड थी, सिर्फ बड़े बड़े बुलडोजरों पर आदमी चलता था, और आज पूरे रोडों पर रोड बिछी है, वहां लाइट है और ड्रेनेज है। पर जिस इंदौर को स्वच्छता में सिरमौर माना जाता है उसी क्षेत्र में आप सुअर भी घूमते हुए देखते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है हम लोगों को देख करके कि जो इंदौर नंबर 1 है, जिसका नाम का डंका पूरे राष्ट्र में गूंज रहा हो, उस इंदौर की एक हालत ऐसी भी, एक दृश्य ऐसा भी, एक परिदृश्य ऐसा भी है जहाँ वार्ड में सुअर नाच रहे हैं इधर से उधर। नहीं, हमारे इतने सुअर नहीं है साहब जी,
सुवर मुक्त है हमारा शहर जी, नहीं सुवर मुक्त शहर नहीं आप ऐसा बोल सकते, हमने सर्वे किया है वार्डों का लगातार जनता के बीच में, हम जा जाके डोर टू डोर जनता से मिले हैं, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि वार्ड स्तर की स्वच्छता किस हिसाब किताब की है। तो खैर ये आप कबूले ना कबूले आपके वार्ड की जो वास्तविक स्थिति है उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। योगेंद्र मोरे जी कैसे देखते हैं आपके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी? सभी जनता का कार्य किया जाएगा और काम तो बहुत सारे बाकी हैं, मैं गिनाने लग जाऊंगा लिस्ट दूंगा तो नहीं दीजिए, यही समय है आपके। ये रामानंद नगर का बोल रहे हैं, रामानंद नगर गिनाने की, निष्क्रियता गिनाने की, भ्रष्टाचार गिनाने की, ठेकेदारों से सेटिंग की, यही समय होता है। रामानंद नगर रामानंद नगर में कम से कम 4 रोड बाकी हैं। एक तो इनके घर के सामने से ही रोड जो निकलता है डॉक्टर दुबे अली गली का, वो कब से सेंसन है लेकिन काम ही नहीं चालू करा पाए। गंगानगर और रामानंद नगर की एक पुलिया है, उसका कम से कम 5 साल काम चला लेकिन आज तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं वार्ड में। चंदन नगर ई सेक्टर में 8 से 10 गलियाँ बाकी है, वो भी सेंसन है, टेंडर जारी हो चुका है लेकिन ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं राजेश चौहान जी, ये तो बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, पुलिया भी गिना दी, सड़क नहीं पुलिया, जिन जिन सड़कों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ब्यौरा लेकर के घूम रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छी सड़क बनाई है, एकदम अमेरिका जैसी सड़क बना दी है। नहीं, अमेरिका जैसी तो इंदौर है, इंदौर हमारा विश्व का सबसे स्वच्छ और साफ शहर है। लेकिन आरोप भी आपके नहीं, ठीक है दुनिया कुछ भी लगाए जी, कोई प्रारूप दे तो मानेंगे ना। रहा सवाल पुलिया, जब पुलिया का काम चल रहा था उस समय हमारी सरकार गिर गई जी, पुलिया का काम बंद हुआ 18 महीने तक वो काम कार्य बंद रहा जी। माननीय विधायक जी ने उस कार्य को क्यों नहीं देखा? आज कह रहे कि हमने काम कराया करने के लिए, लेकिन उस 18 महीने में उन्होंने क्या किया है बताएं? आज तक वार्ड 5 में एक भी विकास कार्य अगर बता दे, बोरिंग के अलावा एक विकास कार्य वार्ड में सांसद नगर निगम उनकी और फिर भी पुलिया एक साल में रुक गई। वो जो वार्ड है जो जिस एरिया की बात अपन कर रहे हैं उस एरिया में पूर्व में पार्षद कांग्रेस के रहा करते थे। भले सुदर्शन गुप्ता चुनाव हार गए हो लेकिन सुदर्शन गुप्ता के बारे में ये तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जो महान शख्सियत है मध्य प्रदेश की, चाहे बात शिवराज सिंह चौहान की करें या नंद कुमार सिंह नरेंद्र सिंह तोमर की, दोनों में बहुत अच्छी पेट रखते हैं, बहुत अच्छी बातचीत है, काफी नजदीकियां हैं। इसीलिए तो विधानसभा एक में वार्ड काम कराने सर्वाधिक काम विधानसभा एक में अगर कहीं हुए, सारी बस्तियां अगर कहीं है तो विधानसभा एक में, सारी अवैध कॉलोनी अगर कहीं है तो विधानसभा एक में, घनी बस्तियां अगर है तो विधानसभा एक और में है, तो इसलिए वहाँ काम करने की तो समस्या है। कॉलोनियाँ वो नाजरों ने कॉलोनियाँ काट दी, रोड छोड़ दिए, लाइट नहीं है, पानी नहीं। आज अगर विधानसभा एक की बात करें तो विगत 15 साल पहले 20 साल पहले अगर आज की स्थिति को देखें तो सारे काम विकास पूर्ण की हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर विकास किया है, काम किया है, अगर घर घर पहुंचाया है नल का पानी, अगर वाकई में नर्मदा से आता है शुद्ध पानी, अगर सफाई की है दुरुस्त व्यवस्था, तो खैर आपकी जीत होगी और आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रकार से जनता आप लोगों को चयन करके क्या नगर निगम में वापस पहुंचाती है। बड़ा विषय तो यह है कि आपका वार्ड जो है सामान्य हो गया है, सामान्य पुरुष आप आते हैं पिछड़े पुरुष से, चूँकि आपका पिछली बार आरक्षण के अनुरूप ही आपका टिकट भी हुआ था, तो कैसे देखते हैं क्या समीकरण बैठेंगे? क्योंकि आपके वार्ड में अगर एक नज़र हम अपने दर्शकों को बताएं तो विधानसभा एक वार्ड क्रमांक 5, सबसे पहले टीनू जैन जो पूर्व में पार्षद रहे वार्ड क्रमांक 6 से, संघ में अच्छी पेट रखते हैं, पायलट एंट्री से पिछली बार भी टिकट हुआ था। मनोज मिश्रा रातों रात टिकट हुआ वार्ड क्रमांक 7 से। बात की जाए संतोष सिंह गौड़ तो उषा ठाकुर के बेहद नज़दीकी हैं। निरंजन सिंह चौहान इन दिनों सुदर्शन गुप्ता के भी बहुत नज़दीकी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, सुरेंद्र वाजपेयी हैं, गोविंद राजपूत हैं, है ना, अश्विनी शुक्ला हैं जो कि काफ़ी नज़दीक हैं सुदर्शन गुप्ता से। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, डगर तो बड़ी मुश्किल है आपके लिए। जो भी संगठन हमें आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे, संगठन अगर हमें दोबारा मौका देगा तो हम काम करेंगे और ऐतिहासिक वोटों से फिर वार्ड 5 को विजयी कराएंगे। तो 5 नंबर से क्यों, किसी पिछड़े वर्ग का जो आरक्षित सीट हो और भी वार्ड होंगे आपके? संगठन जो आदेश करेगा जहाँ से संगठन, तो आपकी तैयारी 5 नंबर से जी, अभी 5 से ही तैयारी, 5 से है, फिर संगठन पार्टी में बीजेपी चुनाव लड़ती, संगठन चुनाव लड़ता, व्यक्तिगत या कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता। हमारा चुनाव चिन्ह सिर्फ कमल का फूल है, व्यक्ति का चुनाव नहीं। अच्छी बात है कि आपकी पार्टी में इतना सामंजस्य तो वाकई में देखने को मिलता है कि अगर आपका टिकट नहीं भी होगा ना तो आप संगठन के नाते आप मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। कैसे देखते हैं योगेंद्र मोरे जी, आपका टिकट तो लगभग फाइनल है, दीपू यादव के आप बेहद नज़दीक है, संजय शुक्ला जी ने हरी झंडी दे रखी है आपको, साम दाम दंड भेद आर्थिक रूप से मदद करने का वायदा भी किया हुआ है संजय शुक्ला ने, तो जान झोंक देंगे चुनाव जीतने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी जो आदेश देगी वही होगा। चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है? हाँ, पार्टी जो आदेश, लड़ने जैसी है या नहीं है? हम तो 15 साल से मेहनत कर रहे हैं,
मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा उसका। नहीं, अच्छी मेहनत कीजिए, अगली 15 साल से अगर मेहनत करते हैं तो शायद इंदौर नगर निगम की नहीं, हर बार परिदृश्य बहुत अलग, हर बार वार्ड परिसीमन में अलग हो गया। हम जहाँ रहते थे 10 साल से तो पार्षद वही विजय कांग्रेस का ही बना। तो लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं भाजपा को डोमिनेट करने में या भाजपा को हराने में कामयाब होंगे आप लोग। बिल्कुल 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 है तैयारी ऐसी। चलिए, तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद से ये थी हमारी सीधी चर्चा, नए चेहरे के साथ, नए मुद्दों के साथ, इंदौर नगर निगम के तमाम वार्डों के साथ लगातार जारी रहेगी हमारी चर्चा। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।